आत्मनिर्भर बहू। बहू क्या होती है? बहू होती है बेटे की पत्नी, लेकिन आत्मनिर्भर बहू होती है घर की मुनीम, क्योंकि वो पैसे का हिसाब रखती है। वो होती है घर की सेवक, क्योंकि वो घर की हर जिम्मेदारी निभाती है। वो होती है रसोईया भी, क्योंकि रसोई में उसके जाए बिना काम ही नहीं चलता। कि 9 बजे थे और खुराना परिवार में रोज की तरह हंगामा शुरू हो गया था। सिर्फ 5 लोग रहते थे इस घर में, लेकिन हंगामा ऐसा होता जैसे कोई धर्मशाला हो। इसका कारण सबका सीता के ऊपर निर्भर होना था। सीता घर की बहू के अलावा उसका पति, जिसके पास कोई नौकरी नहीं थी, एक 11 साल का बच्चा और सास ससुर इस घर में रहते थे। सीता, ये आज अखबार वाले ने अखबार नहीं डाला क्या? मम्मी, ये क्या बना दिया नाश्ते में आपने? मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता। सीता, वो दूध गरम करके ले आ, और आते आते इनकी बीपी की गोली भी लेते आना। सीता किचन में काम करते करते सब्जी बनाते हुए सुन रही थी और वहाँ से ही चिल्लाते हुए जवाब दिया, अरे अजी देखो ना, वहीं कहीं हॉल में रखा होगा। अशोक बेटा, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, स्कूल बस आती ही होगी। मम्मी जी, आप वहाँ अच्छे से देखिए ना, मैंने बीपी की गोली वहीं टेबल पर ही निकाल कर रखी है। दूध को सास के कमरे में देकर आती है और ऋषभ से कहती है, जाओ ना, आज अशोक को बस स्टॉप तक छोड़ कर आओ ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, अभी मॉर्निंग न्यूज़ शो आने वाला है। और हाँ, ऑफिस जाने से पहले 200 रुपये देकर जाना, मुझे बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है। मम्मी, स्कूल में फीस जमा करानी है, सर कह रहे थे कि कल लास्ट डेट है। हाँ हाँ अशोक बेटा, आज मेरी सैलरी भी आने वाली है, तो बैंक से आते आते तुम्हारी फीस भी भर दूंगी। अब चलो, जल्दी तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ के आती हूँ, फिर मुझे भी निकलना है, आज बैंक में क्लोजिंग है तो बहुत काम है। बहू, शाम को आते आते मेरे मालिश का तेल भी लेते आना, खत्म हो गया है। सारे काम निपटा कर सीता बैंक चली जाती है और शाम होते ही घर पर बाकी सारे लोग दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं, यानी कि हंगामा करने का। बहू अब तक नहीं आई, क्या बहू को पता नहीं है कि मुझे खाना खाने के बाद दवाई भी लेनी होती है? अरे मम्मी कहाँ गई हैं, इतना टाइम लगा दिया, मेरा होमवर्क भी बचा है और कल के एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। इतनी बार कहा है सीता से कि टाइम से घर आ जाया करे। इसी बीच सीता जल्दी जल्दी हाफते हुए घर आती है और सबसे लेट होने की माफ़ी मांगती है। अरे अरे, आज क्या हुआ ना, महीने का लास्ट डे था ना, तो क्लोजिंग में थोड़ा टाइम लग गया, मेरा तो दर्द के कारण सर फटा जा रहा है। अरे तुम्हें समझना चाहिए, घर में इतने सारे काम होते हैं, तो समय से घर आ जाया करो, तुम्हें बाहर जाने जाकर काम करने की इजाज़त दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर की जिम्मेदारियां भूल जाओ। यहाँ अशोक की पढ़ाई बची है, मेरे मालिश नहीं हुई, इनको भी दवाई लेनी है, अब जाओ जल्दी खाना बनाने की तैयारी करो। तब मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है और बाकी कामों की तैयारी करती है, लेकिन काम करते करते वो कुछ सोचने लगती है और काम खत्म करके वो सबके सामने आकर कहती है, मेरे बैंक की तरफ से मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है और गिफ्ट वाउचर में 1 हफ्ते का वेकेशन प्लान मिला है, तो कल ऑफिस के बाद मेरी ट्रेन है, सुबह जल्दी निकलूँगी ताकि ऑफिस के काम निपटा लूँ और 1 हफ्ते मुझे ऑफिस के काम से कोई ना आए। चलो बाय, अब मुझे नींद आ रही है,
सुबह जल्दी निकलना भी तो है। सीता की बात सुनकर सब घर वाले सदमे में आ जाते हैं और सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अगले दिन सीता जब अपना बैग पैक करती है तो सब उससे सवाल करने लग जाते हैं, लेकिन वो बिना किसी की बात सुने अपना काम करती रहती है। चलो बाय अशोक, अच्छे से पढ़ाई करना, ऋषभ सबका ध्यान रखना, सासू माँ पापा की दवाई उन्हें टाइम पर दे देना। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अगली सुबह सीता बिना कुछ किए घर से चली जाती है। सीता के जाने के बाद सब घर में सदमे में आ जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि किसको क्या काम करना है। सब काम में उलझ जाते हैं और दिन भर सीता को याद करके परेशान भी हो जाते हैं। सबको ये समझ में आ जाता है कि सीता अच्छे तरीके से पूरे घर को संभाल रही है और फिर भी वो लोग उसे कितना बुरा भला कहते रहे। रात होते ही उन्हें सीता की आवाज़ आती है। उसे देखकर सबके चेहरे खिल जाते हैं। सब एक साथ बोलते हैं, अरे तुम आ गई, अरे तुम आ गई, अरे तुम आ गई, ये मम्मी आ गई। हाँ, स्टेशन पहुँचते ही आप सबकी याद आने लगी और अशोक की भी चिंता हो रही थी और सासू माँ का भी ख्याल आ रहा था, तो सोचा आप सबके बिना वेकेशन का क्या मतलब। जहाँ आप सब खुश वहाँ मैं भी खुश, यही तो होता है एक आइडियल परिवार। चलो आप सब बैठ जाओ, मैं जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। नहीं सीता, आज खाना मैं बनाऊंगा और तुम आराम करोगी। मुझे माफ़ कर दो, तुम बाहर नौकरी करती हो और घर का सारा काम भी संभालती हो, फिर भी हम तुम्हें क्या कुछ नहीं कहते। आज से सारे घर के कामों में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प कराऊंगा। हाँ मम्मी, मैं भी हेल्प कराऊंगा। बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी तकलीफ़ कभी नहीं समझ पाई। आज से मैं छोटे मोटे काम खुद ही कर लूँगी और ऋषभ भी तुम्हारा पूरा मदद करेगा। सब बातें सुनकर सीता खुश हो जाती है क्योंकि उसका प्लान काम कर जाता है और सब मिलकर खुशी खुशी रोज़ घर के काम में मदद करने लगते हैं। उस दिन सब समझ चुके होते हैं कि आत्मनिर्भर बहू पर सब निर्भर होते हैं, पर आत्मनिर्भर बहू किसी पर भी निर्भर नहीं होती है। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।